हिसार के बरवाला में नगर पालिका और हासी में नगर परिषद चुनावों के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हिसार में की गई हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, किस तरह के इंतजाम मतदान को लेकर दोनों जगहों पर किए गए हैं, हासी और बरवाला? दोनों ही जगह पे हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पे बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दी हुई है, और जो वोट डालने के लिए जनता आ रही है उनको कोई भी असुविधा ना हो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज दोनों जगह पे ही रिहर्सल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें कि जो PO APOs और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे आज अलॉन्ग विद EVM एंड अलॉन्ग विद पोलिंग जो मटेरियल है उसके साथ उन्हें आज डिस्पैच किया जा रहा है। और इसी के साथ ही आज सुबह हमने रेंडमाइजेशन की है ताकि डिसाइड हो सके कि कौन सी पार्टी को किस पोलिंग बूथ पे जाना है। इसके साथ इन सबको सुपरवाइज करने के लिए हमने सेक्टर ऑफिसर जोनल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इमीडिएटली जो सेक्टर ऑफिसर है जोनल मजिस्ट्रेट है वो तुरंत वहाँ पर कार्रवाई कर सके। दोनों जगहों पर कितने स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर? लगभग 125 के करीब कर्मचारी बरवाला में लगे हुए हैं जो प्रॉपर पोलिंग पार्टीज़ में लगी हुई हैं, और लगभग 400-500 के करीब हांसी में हमारे सारे कर्मचारी लगे हुए हैं जो पोलिंग बूथ पे पर्टिकुलरली मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेरिफेरल वर्क है, सामान डिस्पैच करना है, उसको रिसीव करना है, उन सब के लिए भी हमने अलग से अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है जो दोनों ही जगह पर स्ट्रॉन्ग रूम है, बरवाला में गवर्नमेंट कॉलेज और हांसी में जो SD महिला विद्यालय है सर, वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रूम की प्रिपरेशन की भी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निपथ योजना का विरोध भी पूरे देश में देखने को मिल रहा है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, ऐसे में वोटिंग के दौरान अग्निपथ का विरोध भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है? हम सभी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए दोनों ही जगह पे फ्लैग मार्च का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और सफिशिएंट पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। हम कॉन्टिन्यूसली हर एक जो गतिविधि हो रही है इन दोनों इलाकों में उस पर नज़र रख रहे हैं, और हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक रहे ताकि ये जो चुनाव है वो भी अच्छे तरीके से हो सके और सभी लोग अपना चुनाव में जो मतदान है उसे कर सकें। चलिए, तैयारियां मुकम्मल हिसार में कर ली गई हैं, हिसार के बरवाला में नगर पालिका और हांसी में नगर परिषद चुनावों के मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई हैं, और सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था हिसार में की गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।